नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आमला, समाज में विलुप्त संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखना हमारी समिति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए मुलताई ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इस तरह के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हमारे समाज में विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाया जा सके। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवा साथियों को भी प्रेरणा स्वरूप कहा, हमारे गाँव में हर घर में सभी जगह बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें हमारी संस्कृति और संस्कारों को सहजने का अवसर प्राप्त होता है। उक्त आशय के विचार बैतूल विरासत समिति के तत्वावधान में मुलताई में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान राजू पवार ने कही। बताया गया, मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार ग्राम आष्टा में समिति द्वारा विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समिति के संयोजक राजू अनुराग पवार विशेष रूप से उपस्थित रहे। भजन संध्या की आपात सफलता का अंदाजा उपस्थित जन समुदाय को देख बखूबी लगाया जा सकता है। कार्यक्रम में लगभग 56 भजन मंडलियों ने हिस्सा लेकर एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। भजन संध्या में प्रभात पट्टन डोलन अमरावती घाट परसोड़ी मगोना खुर्द वांडली तिवरखेड़ छिंदखेड़ सहित लगभग 40 गांव के भजन मंडल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भजन संध्या 2-3 भजन मंडलों के द्वारा समिति के संयोजक राजू पवार के ऊपर बनाए गए गीतों की दी प्रस्तुति शानदार रही। कार्यक्रम में बैतूल विरासत समिति के द्वारा सभी मंडलों को सांत्वना उपहार के रूप में भेंट की गई। कार्यक्रम में हमेशा की तरह समिति के जिला संयोजक राजू पवार द्वारा ग्रामीण बुजुर्गों का शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को लेकर समिति के सभी पदाधिकारी कार्यों सदस्यों का सम्मान किया और कहा कि इस तरह के आयोजन के लिए समिति साधुवाद की पात्र है जो उन्होंने मां भवानी परिसर को इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया। समिति के संयोजक राजू पवार ने मां भवानी मंदिर समिति का भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अर्जुन सिंह रघुवंशी व हेम सिंह चौहान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने सभी का सराहनीय सहयोग रहा। आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।